दिल्ली पुलिस की नॉर्थ जिला की साइबर सेल ने एक हाईटेक साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात है कि यह स्टॉकर खड़गपुर IIT में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है, लेकिन पिछले काफी समय से स्कूलों की नाबालिग लड़कियों के साथ टीचर्स को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने दावा किया है कि ये आरोपी 50 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों और रेपुटेड स्कूल की टीचर्स को स्टॉक करके उन्हें ब्लैकमेल कर चुका है। आरोपी की पहचान महावीर नाम से हुई है, जो कि बिहार के थाना खाजे कलनी पटना का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने उसे बिहार गिरफ्तार किया है। नॉर्थ दिल्ली के DCP सागर कुमार कलसी के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली के एक नामी स्कूल से नाबालिग लड़कियों और स्कूल की शिक्षिकाओं ने इसी साल 6 अगस्त को शिकायत देकर बताया कि एक ऑनलाइन स्टॉकर स्कूल की नाबालिग लड़कियों का ऑनलाइन पीछा कर रहा है और व्हाट्सएप मैसेज भी भेज रहा है। वो इंटरनेशनल नंबरों से कॉल भी करता है। शिकायत में यह भी कहा गया कि यह स्टॉकर स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश कर रहा है और एडमिन और ग्रुप आइकॉन को बदले बिना व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो रहा है और कई छात्राओं की मुफ्त न्यूड और सेमी न्यूड मुफ्त तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर इसकी छानबीन शुरू की। इस सिलसिले में पीड़ित लड़कियों, शिक्षिकाओं और अभिभावकों से गहन पूछताछ की गई और 33 व्हाट्सएप वर्चुअल नंबर, 5 इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फर्जी कॉलर आईडी एप्स का उपयोग करने वाले कई कॉल की पहचान की गई। मोबाइल नंबरों की जांच करने पर पता चला कि इनमें से एक नंबर से 3 साल पहले पीड़ित से संपर्क किया था और तब से वो उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फर्जी मेल आईडी के IP लॉक की जांच की। इसके बाद आरोपी की पहचान 19 साल के महावीर के तौर पर हुई, जो पटना के खाजे कला इलाके का रहने वाला है। उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी IIT खड़गपुर से बीटेक कर रहा है। उसने पूछताछ में बताया कि वो काफी पहले उत्तरी दिल्ली के एक नामी स्कूल के एक छात्र के संपर्क में आया था। इसके बाद उसने इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस छात्र के दोस्तों से संपर्क करना शुरू कर दिया। आरोपी महावीर को एप्स की अच्छी जानकारी है। वो नाबालिग लड़कियों को परेशान करने और साइबर स्टॉकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करता है। आरोपी ने फर्जी कॉलर आईडी के लिए और व्हाट्सएप पर वर्चुअल नंबर के लिए स्कूल की लड़कियों और शिक्षकों से संपर्क करने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पीड़ितों से संपर्क करने के लिए वॉइस चेंजिंग ऐप का भी इस्तेमाल किया। उसने पीड़ितों की मॉफ न्यूड फोटो बनाने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया और उन्हें पीड़ितों के नाम से बनाए गए फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया। आरोपी महावीर के मोबाइल फोन में कई अश्लील वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़कियों से संपर्क करने के लिए नाबालिग लड़कियों के फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाए और लिंक पूछकर स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। लिंक का उपयोग करके स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में भी प्रवेश किया। वो लड़कियों को लगातार ब्लैकमेल भी कर रहा था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।